उसमें गया है और अब रिया चक्रवर्ती जो सोर्सेज हैं सीबीआई के वो बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को आज समन भेजा गया है और आज उनको आना होगा सीबीआई की पूछताछ के लिए। इसी में तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर और इस पूरी कहानी के जो दो तीन और बड़े किरदार हैं जिनमें सिद्धार्थ पिठानी सबसे बड़ा नाम आता है और नीरज आता है, उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। तो आज जो है पूछताछ की जा सकती है, बेहद इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ड्रग की थ्योरी आने के बाद और ड्रग की चैट आने के बाद सैमुअल मिरांडा से क्या बातचीत होती थी, उस ड्रग्स का कनेक्शन क्या था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट कॉर्नर किसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक नामजद को दे दिया और उसने अपनी थ्योरी रख दी और वो बरी हो जाएगा। यहाँ पर तो टफ क्वेश्चन किए जाएंगे। जाहिर तौर पर क्योंकि रिया को अब यहाँ पर असली सवालों का सामना करना पड़ेगा जो एक्चुअल पूरा लीगल केस आगे ड्राइव करने वाले हैं, ना कि वो किसी कोई इंटरव्यू के पीआर क्वेश्चंस को वो फेस करने वाली हैं। अब उनको प्रॉपर तरीके से सीबीआई की इंक्वायरी का सामना करना होगा और उसमें उनको उनसे क्योंकि ऑलरेडी सीबीआई के पास उनके जितने स्टेटमेंट जो उन्होंने ऑलरेडी मुंबई पुलिस को दिया है या ईडी को दिए हैं वो उनके पास हैं, जो उनके मैसेजेस जो उन्होंने डिलीट कर दिए थे वो रिट्राइव कर वो मैसेज उनके पास हैं, उनका मोबाइल का पूरा फॉरेंसिक डेटा सीबीआई के पास है, तो झूठ की संभावना जो अक्सर किसी पीआर इंटरव्यू में पीआर सवालों के सामने हो जाती है वो यहां पर गुंजाइश नहीं रहेगी। यहां पर उनको असल सवालों का सामना करना पड़ेगा और असल जवाब जो वाकई में अभी तक वो छिपा रही हैं या अभी तक उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं छिपाने के उनका उनको सामना करना है। जाहिर सी बात है, हमारे साथ डॉक्टर एलसी गुप्ता मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ फॉरेंसिक विशेषज्ञ हैं, वीएम पंडित हैं पूर्व सीबीआई अधिकारी, उनसे हम बात करेंगे। विक्रम सिंह मौजूद हैं पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश और डॉक्टर जयंती दत्ता हैं मनोचिकित्सक और अंकुर तो हमारे साथ बने भी हुए हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह जी, मैं आपसे अगर शुरू करूं, एक प्रायोजित तरीके से एक नामजद जिसको परिवार अपने बेटे की हत्या का आरोपी मान रहा है उसे एक मंच दे करके पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश करना कि वो तो इनोसेंट है, सुनियोजित तरीके से एक पीआर एक्सरसाइज, लेकिन जब असल पूछताछ होगी असली सवालों के जवाब तो आप देने होंगे ना। सचिन जी, आपने इस खेल का बहुत सफल अनावरण अभी अभी कर दिया है। सू बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हो। ये आरोपी हैं, ड्रग्स के संबंध में इतना अकाट्य साक्ष्य व्हाट्सएप पे मिला है, ड्रग्स का इस्तेमाल और नाजायज तरीके से ड्रग्स को देना, आय से अधिक संपत्ति, इसके अलावा एक इनोसेंट लड़के को ड्रग्स जबरदस्ती देना, ये बड़े गंभीर आरोप हैं और सेक्शन 27-28 एनडीपीएस एक्ट में जिसके विरुद्ध अपराध पंजीकृत हो, इसके अलावा ईडी जांच कर रही हो, 12 लाख सालाना की आमदनी और मुंबई में 2 फ्लैट जो कदाचित हम आप भी नहीं खरीद सकते हैं, ये सब दिखाता है कि गंभीर आरोप हैं और रिया को ये मंच देना इसका कोई औचित्य नहीं है। जाहिर है सचिन जी कि इनके पीछे एक बहुत सशक्त एक लॉबी है जो महंगे वकील, महंगी पीआर एजेंसीज और इस तरीके का मंच इनको उपलब्ध कराया। आप कोशिश करके देख लीजिए, आपके स्टूडियो में आना कोई सामान्य बात नहीं है और इस तरीके के स्टूडियोज में जाकर के पूरा प्राइम टाइम पे इंटरव्यू देना, इसके पीछे करोड़ों रुपए का खर्चा है और बिना इसके ये संभव नहीं था। ये स्पष्ट दिखाता है कि आपने अपने इंटरोगेशन से एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न और एक किंकर्ते विमूर्ता में डालने के लिए विचारशील लोगों को आपने ये कुंसित प्रयास किया है जो कभी 100 साल भी कामयाब नहीं हो सकता है।